बिस्मिल्ला रखमान रही अल डर स्टूडेंट जिससे अहमद रज़ा मीर प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसि बिजनेस स्कूल सर ये वीडियो फोकस्ड है मैनेजेरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस के सब्जेक्ट के ऊपर और मैं बिल्कुल एग्जैजरेट नहीं करूंगा ये वीडियो बाय फार इस पूरे सेशन की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है ठीक है जी देखिए इस वीडियो को तमाम स्टूडेंट्स सुने चाहे जिनकी क्लासेस कम्प्लीट हो चुकी हैं वो रिविजन कर रहे हैं या जिनकी क्लासेस बाकी हैं ठीक है जी हमारे पास ऑलमोस्ट कोई 42 के करीब दिन बाकी हैं 6 सितंबर को आ, पेपर होगा एमएफए का और तकरीबन अगस्त के इकतीस दिन और तकरीबन कोई आठ के दि, आठ दिन के करीब जुलाई में हमारे पास हैं और फिर तकरीबन कोई पाँच दिन के करीब हमारे पास सेप्टेम्बर के महीने में भी होंगे ठीक है जी तो इस वीडियो को बगौर देखना है एक एक चीज़ इसकी सुननी है पूरा रिविजन प्लान मैं आपसे डिस्कस करूंगा कोर्स को मैं तोड़ूंगा पूरे कि किस एरिया पे क्या काम करना है ठीक है जी एरिया की वेटेज कितनी है किस किस तरीके से एग्जामिनर पूछता है ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं फिर रिपीट कर रहा कराऊँ सबसे पहले तो सर देखें जनाब हमारे पेपर में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं वो कितने आते हैं सर हमारे पेपर में देखें दो पोर्शन होंगे एक हमारे पास पोर्शन होगा मैनेजेरियल एनालिसिस का एक हमारे पास सर पोर्शन होगा फाइनेंशियल एनालिसिस का जिसको मोरललेस लोग जो है ना वो प्रैक्टिकल एरिया कहते हैं और मैनेजेरियल को जो है वो थियोरेटिकल एरिया कहते हैं अच्छा जी सर इसमें से तकरीबन चार क्वेश्चन होंगे ठीक है जी चार क्वेश्चन इसमें से होंगे ठीक है जी और मेरे पास सर इनके अलावा एम भी होंगे ठीक है जी एम सी क्यूज़ का क्वेश्चन होगा गालिबा पहले ही क्वेश्चन होता है पेपर का जो पंद्रह मार्क्स का होता है हिस्टोरिकली मैनेजेरियल के पोर्शन से वन थर्ड एमसी होते हैं और टू थर्ड जो है वो हमारे पास फाइनेंशियल के पोर्शन से हिस्टोरिकली होते रहे हैं सर कुल नौ सवाल हैं एमसी क्यूज मिला के एमसीक्यू का एक क्वेश्चन चार थियोरेटिकल और चार प्रैक्टिकल क्वेश्चन ठीक है जी आ, ये रेशो आ, मतलब लास्ट अटैम्प्ट में चेंज भी हुआ ठीक है जी लास्ट अटैम्प हुआ ये कि सर लास्ट अटैम्प्ट में आई केफ के एग्जामिनर ने पांच क्वेश्चंस फाइनेंशियल एनालिसिस से पूछ लिए वेटेज कम करके चार क्वेश्चन जो है वो पूछे यहाँ से मैनेजरियल एनालिसिस से लेकिन सर पिछली तीन अटैम्प्ट में अगर आप देखें मोर और लेस कोई सिक्सटी uh, से सिक्सटी परसेंट एरिया जो है वो फाइनेंशियल का है और तकरीबन 35 से 40 नंबर का एवरेज आप देख लें तो मैनेजेरियल का पोर्शन uh, है ठीक है जी और अगर मैं लास्ट अटैम्प्ट देखूं मार्च 23 की तो उसके अंदर हमारा वेटेज जो है वो 57 सेवन uh, फिफ्टी प्रैक्टिकल मार्क प्रैक्टिकल जो एरिया है उसमें बड़े क्वेश्चन इक्यावन नंबर के आए हैं और सर थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो बड़े क्वेश्चन हैं वो तकरीबन चौतीस मार्क्स के आए हैं ये पूरा कॉम्पोजिशन हमारे सामने है और मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि अगले अटैम्प में तकरीबन पैंतीस से अड़तीस के, के करीब मार्क्स जो है वो थ्योरेटिकल होंगे और तकरीबन 60 ऑर्ड के करीब मार्क्स जो है वो 60 62 के करीब मार्क्स हम देखेंगे फाइनेंशियल में ये मेरा एक प्रोफेशनल हंच है ठीक है जी अच्छा जी सर आ, अगर आप ब्रेकअप देखें बड़े क्वेश्चंस का और एम का तो यहाँ बड़ा हेल्दी रेशियो है सर एम अच्छे नंबर के हैं लेकिन जो आखिरी अटैम्प्ट आई है ना उसने थ्योरी में एम का पार्ट बढ़ा के जो प्रैक्टिकल साइड है उसका नंबर कम कर दिया ठीक है जी अगर आप देखें तो 40 से दोबारा चौंतीस पर हम चले गए और हमारे जो एम हैं उसमें वेटेज बढ़ा दिया तो हिस्टोरिकली ये होता था कि जी पंद्रह मार्क्स के अगर एम हैं तो पंद्रह मार्क्स में से या बारह मार्क्स या एमसीक्यूज हैं तो उस बारह मार्क्स से पंद्रह मार्क्स में से होता ही ये था कि आप आई के का एग्जामिनर सर कोई आ, दस के करीब मार्क्स देता रहा सर दस के करीब ग्यारह के करीब मार्क्स देता रहा प्रैक्टिकल को और थियोरेटिकल वाले एरिया में यानी मैनेजरियल वाले एरिया में जो एम सी क्यूज आते थे वो तकरीबन तीन से चार नंबर के हुआ करते थे लास्ट अटैम्प में ऑलमोस्ट उसने ब्रेक करके आधा आधा कर दिया तो अगर ला, अगर लास्ट अटैम्प के पैटर्न को मैं फॉलो करूं अगले अटैम्प में तो सर मेरे पास आधे एमसीक्यूज फाइनेंशियल से होंगे आधे मेरे पास जो है वो मैनेजेरियल से होंगे मैनेजेरियल में तकरीबन बत्तीस मार्क्स के करीब की थ्योरी होगी तीस बत्तीस मार्क्स की और बाकी जो है वो पूरा प्रैक्टिकल पार्ट होगा ठीक है जी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगली दफा पांच के करीब सवाल प्रैक्टिकल साइड से और चार के करीब सवाल थ्योरेटिकल साइड से और एक एमसी का क्वेश्चन ठीक है जी अच्छा जी मैं सबसे पहले बात करूंगा मेरे बच्चों प्रैक्टिकल एरिया की कि हमारे पास प्रैक्टिकल एरिया यानी फाइनेंशियल वाला जो एरिया है उसमें कितने चैप्टर्स हैं उसमें कितनी कितने जो है वो टॉपिक्स हैं उनको कवर कैसे करना है उनमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना सर सबसे पहले हमारे पास जो है फाइनेंशियल एंड रिस्क मैनेजमेंट का एरिया है हिस्टोरिकली इसके मार्क्स हुआ करते थे पच्चीस से पैंतीस अब इसके मार्क्स बढ़ा के तीस से चालीस कर दिए गए इसके अंदर टोटल एरिया ही चार है ठीक है जी चार एरियाज में से सर वैक है फॉरेक्स है और फिर दो जो है वो ऐसे एरियाज हैं जो फाइनेंशियल वाली साइड में थ्योरी का पोर्शन ठीक है अगर मैं हिस्टोरिकली देखूं तो सर मेरे पास 10 से लेके 15 मार्क्स का वैक का क्वेश्चन आया हिस्टोरिकली ठीक है जी और फॉरेक्स का क्वेश्चन सर जनरली 9 नंबर का आता है लेकिन मैं इसको एवरेज 8 नंबर ले लेता हूं ले। लेकिन चूंकि पिछली दफा के मुकाबले में इसकी वेटेज बढ़ गई है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सर इस दफा वैक का एक अच्छा तगड़ा क्वेश्चन आएगा और साथ ही साथ फॉरेक्स का भी एक अच्छे नंबर का क्वेश्चन आएगा क्योंकि अगर एग्जामिनर ने यहां से मिनिमम मार्क्स भी पूरे करने हैं ना तो इन दो एरियाज के ऊपर तगड़े क्वेश्चन आएंगे ठीक है जी फिर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इस दफा कि एक सवाल ऐसा आ सकता है कि जिसमें एक सिनेरियो आपको दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि जी सोर्स ऑफ फाइनेंस आइडेंटिफाई करें कि कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस यहाँ अप्रोप्रिएट होगा तो मेरे हिसाब से सर पांच नंबर इस एरिया से भी आ सकते हैं अच्छा जो रिस्क मैनेजमेंट का एरिया है सर रिस्क मैनेजमेंट में प्योर रिस्क और स्पेकुलेटिव रिस्क है इस पर केस स्टडी आ सकती है कि जी ये चार हैं आपने इनको आइडेंटिफाई इसमें से प्योर रिस्क रिस्क कौन कौन सा है कौन सा है है और स्पेकुलेटिव लेकिन हैविंग सेड दिस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि सर इस एरिया से एवरेज पैंतीस नंबर के सवाल आएंगे और सर इस पैंतीस नंबर के सवालों में जो मेजर चंक होगा वो होगा फॉरेक्स का और बैक का अब सर इसकी रिविजन कैसे करनी है ये जरा बता दें इसको लेके कैसे चलना है देखें सबसे पहला टॉपिक जो आपने फाइनेंशियल वाली साइड पे उठाना है ना वो वैक है आपने वैक की डिटेल में जो क्लासेस हैं ठीक है जी वो आपने लेनी है और कोशिश करें कि जिन्होंने लाइव क्लासेस लिए हैं वो लाइव क्लास लेने जिसने अभी तक क्लासेस नहीं लिए हैं वो प्रीमियम लेक्चर से उठा ले वहाँ जो है वो कम टाइम में सारी चीज़ें हमने कवर की हैं और हमने जो इवन कस्टमाइज ग्रुप कस्टमाइज बैच दिया उसके अंदर भी हमने आ, वैक के प्रीमियम लेक्चर दी तमीज़ तरीके से इसको कवर करना है फिर सर मैंने वैक के पाँच क्वेश्चन आपको अच्छा क्लास वर्क के बाद वैक के मैंने पांच क्वेश्चन दिए हैं वो पांच क्वेश्चन में सारा कॉन्सेप्ट कवर्ड है तो वो पांच क्वेश्चन आपने करने हैं। सर वो पांच क्वेश्चन कहां से मिलेंगे आ, वो पांच क्वेश्चन और सारे रिविजन क्वेश्चन एक बंच की फॉर्म में इसी वीडियो के नीचे लिंक आ रहा होगा अगर इमीडिएटली नहीं आ रहा होगा तो कल तक अपडेट हो जाएगा ठीक है जी वो लिंक से आपने डाउनलोड करना है ठीक है तो वैक के आपने क्लास के लेक्चर्स कंप्लीट करने ठीक है जी एक्विटी की वैल्यूएशन डेट की वैल्यूएशन वैक की कैलकुलेशन प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेबल बॉन्ड्स ठीक है जी ये सारे काम करने के बाद सीएपीएम का मॉडल आपने देखना फिर उसके बाद आपने पांच सवाल तरीके से तमीज से सॉल्व करने मुश्किल सवाल आते हैं ठीक है फिर सर फॉरेक्स उठाना है आपने फॉरेक्स में सर फॉरन करेंसी और इंटरेस्ट रेट ये दो चीजें फॉरेन करेंसी में आपने फॉरवर्ड देखना है फ्यूचर देखना है ऑप्शंस देखना है ठीक है जी इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट है ठीक है जी इंटरेस्ट रेट ऑप्शन हैं और इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स हैं सर लास्ट ही इन अटेम्प्ट से एग्जामिनर ने फॉरन करेंसी रिस्क मैनेजमेंट पर ही सवाल बनाए हैं उसने इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट पर कोई चीज नहीं पूछी अभी तक ठीक है तर, जी तो मेरा अपना बड़ा स्ट्रॉग हंश है कि इस दफा इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट पे सवाल आ सकता है मे बी फॉरेक्स पे दो क्वेश्चंस आ जाए ए और बी में इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट भी टेस्ट कर ले वो और फॉरेन करेंसी रिस्क मैनेजमेंट भी टेस्ट कर ले तो ये याद रखिएगा इस पर अच्छे से आपने काम करना है सर तकरीबन सात से आठ क्वेश्चन जो है वो मैंने

क्रेडिट रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है लिक्विडिटी रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो बी में कुछ अटैप्ट पहले ऐड हुए और एज ए रिजल्ट इन्होंने एमएफ में भी ऐड किए। तो याद रखिएगा इस पर एक अच्छा छोटा सा थ्योरी का सवाल बन के आ सकता है वो देख लीजिएगा उनके उन वो स्टेप्स देख लीजिएगा कि लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज करने के लिए हमारे पास क्या है स्टैंड बाय लाइन ऑफ क्रेडिट्स हैं ठीक है जी हमारे पास ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ हैं लोन्स हैं इस तरह की चीज़ें देख लीजिएगा और क्रेडिट रिस्क को मैनेज करने के लिए क्रेडिट स्क्रीनिंग है सर स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स हैं सर इंसेंटिव्स हैं इस तरह की चीज़ें देख लीजिएगा ये आखिर में एक थ्यूरी दी हुई है थोली देख लीजिएगा डन हो गया जी तो इस एरिया में सर सोर्स अच्छा फिर तीसरा हमारे पास है सर ऑफ फाइनेंस इस मैंने सर तकरीबन तीन से चार क्वेश्चन दिए हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन केसेज जिसके अंदर सिलेक्शन ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आ रहा है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह भी याद रखना कि सोर्स ऑफ फाइनेंस में आपने दो काम करने है। जितने सोर्स हैं। जितने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस सर चैप्टर में दिए ठीक है जी वो मैंने सर समराइज किए अपने नोट्स के अंदर जो हमारी किताब में मौजूद है ठीक है जी और वो नोट जो है मैंने क्लास में भी दिए हैं और इवन जिसके पास हैं वो बाकी लोगों से भी शेयर कर लें और अगर मेरी मैनेजमेंट सुन रही है इस वीडियो को तो भाई जिनका कस्टमायस बैच के बच्चे हैं उनसे भी शेयर कर लीजिए ठीक है तो उसमें आपने क्या करना है सर सारे सोर्सेज ऑफ तो फाइनेंस में आपने पॉइंट्स याद करने पॉइंट्स का मतलब ये कि जी आ, मिसाल के तौर पर लॉन्ग टर्म डेट ठीक है जी बैंक लोन उसके चार पांच पॉइंट्स क्या हैं जी बैंक लोन जो है वो इतने साल के लिए मिलता है बैंक लोन के ऊपर टैक्स जो है वो टैक्स अलावेबल एक्सपेंसेस इंटरेस्ट अगर उसका हम पे करते हैं ठीक है जी डेट्स जो बैंक लोन है वो उसमें इशू कॉस्ट इतनी नहीं होती है बैंक लोन जो है वो क्विकली मिल जाता है यानी हर सोर्स ऑफ फाइनेंस के आपने पांच पांच छह छह पॉइंट्स याद करने कि अगर वो लिखने को आ जाए तो आपके पास पांच चेछे पांच छह छह पॉइंट्स लिखने को हो ठीक है जी इस सोर्स ऑफ फाइनेंस में अगर कोई प्रैक्टिकल एरिया टेस्ट होता है मेरे हिसाब से वो प्रैक्टिकल एरिया कन्वर्टेबल बॉन्ड्स का होगा ठीक है जी ये देख लीजिएगा कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में जो कैलकुलेशन है ठीक है जी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की मार्केट वैल्यू कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की फ्लोर वैल्यू और कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में प्रीमियम की कैलकुलेशन ठीक है जी ये तीनों चीजें देख लीजिएगा मैंने करवाई है क्लास में ये हर किस्म के सर स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल होंगी हमारे रेगुलर में भी अवेलेबल है प्रीमियम में भी अवेलेबल है और जो हमने कस्टमाइज बैच दिया उसमें भी अवेलेबल है तो समरी इस पूरे सेशन की क्या है जी आपने वैक के सवाल करने वैक की क्लास लेनी है फिर पांच सवाल करने फिर आपने सर फॉरेक्स की सारी क्लासेस लेनी है फिर आपने फॉरेक्स से सात आठ क्वेश्चन है वो करने ठीक है जी फिर आपने सर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की डिटेल में तमीज से जो है वो रेगुलर क्लास जो मैंने करवाई चीजें वो देखनी है और फिर हर एक सोर्स ऑफ फाइनेंस के आपने सर चार चार पांच पांच पॉइंट्स याद कर लेने और इसमें मैंने आपको बता दिया कि सर जो की प्रैक्टिकल एरिया पूछा जा सकता है वो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स का रिस्क मैनेजमेंट के चैप्टर में बहुत थोड़ी सी चीजें रह गई हैं सर आपने सिर्फ स्पेक्यूलेटिव और प्योर रिस्क को चेक करना है देखना है उसमें है क्या और फिर आपने ये देखना है कि जी अगर कोई केस आ जाए उसमें मुझे आइडेंटिफाई करना हो कि प्योर रिस्क और सिस्टमेटिक रिस्क प्योर रिस्क और स्पेकुलेटिव रिस्क, रिस्क है तो उसमें मैं जवाब दे सकूं उसमें कोई लंबी चौड़ी की स्टडी नहीं आ सकती है लेकिन तीन चार नंबर का पांच नंबर का सवाल जरूर बन के आ सकता है तो वैक थोरोली देखना है पांच सवाल देखने हैं फॉरक्स छह चीजें देखनी है तीन फॉरेन करेंसी जो है वो फॉरेन करेंसी रिस्क मैनेजमेंट में फॉरवर्ड फ्यूचर ऑप्शन और तीन जो है वो इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में एफ आर ए इंटरेस्टेड फ्यूचर्स इंटरेस्टरेड ऑप्शन ठीक है जी और फिर हमारे पास जो है वो आ, फिर हमने सर क्रेडिट रिस्क को लिक्विडिटी रिस्क की थ्योरी देखनी है एक पेज की अगले बनू ठीक है जी सर सोर्स ऑफ फाइनेंस में हर एक के जो है वो बुलेट पॉइंट याद करने और जो मैंने तकरीबन चार क्वेश्चंस कराए सिलेक्शन ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस वो देखना है रिस्क मैनेजमेंट के अंदर प्योर रिस्क और जो स्पेकुलेटिव रिस्क है उसकी डेफिनेशन देखनी है एग्जाम्पल्स देखनी है और एंड में रिस्क मैनेजमेंट के बेनिफिट्स से उसको रीड कर लेना उसमें तो चार या तीन से चार पॉइंट जैन में रखना ताकि अगर रिप्रोड्यूस करने का क्वेश्चन आ भी जाए तो तुम जवाब दे सको ठीक है जी ये हमने पहला एरिया देख लिया जो तकरीबन तीस से चालीस नंबर का है और मैंने इसमें आपको की एरियाज बता दिए और मेरी एक्सपेक्टेशन ऐसे तकरीबन पैंतीस मार्क्स के सवाल उठ के आ सकते हैं चलें जी हमारे पास फाइनेंशियल एनालिसिस में जो सेकंड एरिया आता है वो बजटिंग एंड प्रोजेक्शंस का आता है ये हिस्टोरिकली 20 से 25 नंबर का था अब ये हो गया 25 से 35 ठीक है जी 25 से 35 मार्क्स का एरिया हो गई ठीक है जी तो दिमाग में रखिएगा से हिस्टोरिकली दो क्वेश्चन आते थे अब अगर दो क्वेश्चन आए तो दोनों बड़े क्वेश्चन होंगे और ऐसा भी हो सकता है कि सर पैंतीस नंबर में वो ये करें कि बारह बारह और बारह नंबर के तीन सवाल पूछ ले ऐसा भी कर सकता है कि एक पंद्रह नंबर का पूछ ले और दो दस दस नंबर के पूछ ले ठीक है जी और ऐसा भी हो सकता है कि सर दो क्वेश्चन सत्रह और अठारह मार्क्स के पूछ ले आ, पिछली सारी अटैम्प्ट में इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेस्ट हुआ है और मेरा कोई ऐसा जो है वो आ, मेरा जो है वो हंच नहीं है कि इस टेस्ट ना हो मुझे लगता है कि सर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल लाजमी टेस्ट होगा अच्छा याद रखिएगा इस अटैम्प में बैक पीरियड को ऐड किया गया है तो मे भी ऐसा सवाल है कि वो आपसे पूछे पूछेगी एनपी बी भी निकाल के दे दें पे बैक पीरियड भी निकाल के दे दें आई आर आर भी निकाल के दे दें दे और तीनों के हिसाब से बताया प्रोजेक्ट कौन से अच्छा है ठीक है मे भी दो तीन प्रोजेक्ट दे सकता है आपको बजटिंग सर तीन अटैम्प्ट में से एक ही दफा टेस्ट हुआ है इस अटैम्प्ट के लिए मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और खास तौर पे कैश बजट क्योंकि लास्ट टाइम बजटेड पी एन एल आए लेकिन याद रखिएगा जब टीचर आपको ये बताता है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है इसका आर्गिज यह मतलब नहीं है कि दूसरी चीज आप छोड़ दो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है मैं भी दोबारा बजटेड भी आ जाए लेकिन सर ये ये मेरा हांश है कि जब बजटिंग इन जरूर टेस्ट होगा वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल में दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं अब तक उसने वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट प्रैक्टिकली पूछी है थ्योरी का एलिमेंट उसने नहीं डाला है इसके अंदर मेरा अपना हंश है कि इस दवा अगर एग्जाम में वो चीजें पूछता है तो वो ये भी कर सकता है कि वो आपसे वर्किंग कैपिटल के रेशियोज पूछे वर्किंग कैपिटल साइकिल कैलकुलेट करवाए उस पर कमेंट्स करवाए उस पर जब आपको चीजें दे दे या वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करवाए जिस तरह की हमने क्लासेज में की थी ठीक है जी अगेन सर आ, जो रिविजन आपने करना है सर पूरी क्लासेज आपने लेनी है बहुत तमीज़ से लेनी है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के दस क्वेश्चन जो हमारे बंच में होंगे वो आपने करने हैं जो रिविजन क्वेश्चन के बंच में बजटिंग के मैंने जितने सवाल क्लास में कराए लेक्चर्स के थ्रू कराए वो सारे करने ठीक है जी छह क्वेश्चन में आपको और दूंगा सर आ, उसी उसी बंच के अंदर है जो आपने तरीके से से करने वर्किंग कैपिटल के मैंने बड़े नायाब नायाब क्वेश्चन आपके लिए बनाए थे और वो गालिबन आप लोगों ने क्लास में किए भी होंगे जो मैंने रिविजन के तौर पर आपको दिए थे वो क्वेश्चन दोबारा शेयर कर रहा हूँ यानी सर इफेक्टिवली मैं समझ रहा हूं इन तीनों क्वेश्चन में से एक को भी आप जो है वो आउट नहीं नहीं कर सकते कि ये होगा। मुझसे पूछे प्रायोरिटी के हिसाब से सर इन्वेस्टमेंट बजटिंग और फिर वर्किंग जी? लेकिन ये तीनों भी टेस्ट हो, सकते है, हो सकता है बहुत कम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल स्किप हो। मैं फिर रिपीट कर तीनों में जो टेस्टिंग का जो लेवल है ना वो टू है सी लेवल टू है यानी ये थोड़े से मुश्किल सवाल पूछे जाएंगे ये दिमाग में रखिएगा मैंने आपको अपने रेगुलर बैच में भी प्रीमियम में भी और कस्टमाइज में भी मेजोरिटी क्वेश्चन को भी नहीं छोड़ना ठीक है जी इस एरिया और इस एरिया में ऊपर वाले एरिया में अगर किसी बच्चे ने नंबर निकाल ली उसको शायद दस से बारह नंबर लेने थ्यूरी के अंदर इसमें से आपने एरिया इस एरिया में से आपने चीजें निकालनी सेट दिस थ्योरी के मार्क्स प्रैक्टिकल के मुकाबले में लेना आसान होते हैं तो सीधी सीधी चीजें होती हैं आप एक केस स्टडी के अंदर भी सर पॉइंट्स लिख के आ जाते हैं नंबर मिल जाते हैं आपको ये वाला एरिया जिसके लिए आपको थोड़ा भाग दौड़ करना पड़ेगा लेकिन अगर प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग है ना तो सर फिर आप थ्योरी में से नंबर रीजनेबल भी निकाल लो तो आप पास हो जाते हो मेरा अंश चाहिए कि इस एरिया में तीस नंबर के सवाल पूछे जा सकते हैं अगर दो क्वेश्चन पूछे और अगर तीन पूछे तो सर फिर ये पैंतीस नंबर तक पूरा जाएगा लेकिन मेरा अपना हांच है कि इसमें से कम से कम या ज़्यादा ज़्यादा दो ही सवाल आएंगे ज़्यादा मेरा अपना ख्याल है कि नहीं आएंगे ठीक है जी अच्छा जो बजटिंग का चैप्टर था उसमें तो फोरकास्टिंग निकाल दी गई है ठीक है जी अच्छा इन इन चैप्टर्स में जो थ्यूरी के हिसाब से चीज़ें हैं वो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में एन के बेनिफिट्स और डिसएडवाटेजेज़ यानी वो देख लीजिएगा बजटिंग में शुरू में जो बजटिंग के प्रोसेस है कि किस तरह बजट बनता है वो बेसिक थ्योरी वो रीड कर लेना एम में टेस्ट हो सकती है वर्किंग कैपिटल के अंदर सर वर्किंग कैपिटल के अंदर वर्किंग कैपिटल रेशोज हैं उनको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है ये पूरा डिटेल में मैंने थ्योरी का एक टेबल दिया है वो टेबल पूरा याद करना छोड़ना नहीं है उसको ठीक है जी सर यहाँ हमारे जो है वो दो पार्ट्स कंप्लीट होते हैं और मेरा अपना हांच है कि सर इन दोनों एरियाज से लगभग लगभग कोई साठ नंबर का बासठ नंबर का पेपर आएगा इंक्लूडिंग एम और लंबे क्वेश्चन इसमें से तकरीबन पचास से पचपन नंबर के टेस्ट होंगे पक्का जी ये दो एरियाज आपने पक्के करने अच्छे देखें टोटल टॉपिक्स ही इसमें अगर मैं रिस्क मैनेजमेंट जैसे टुच्छे टॉपिक को हटा दूँ और सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को भी जरा हल्का कर दूँ तो इफेक्टिवली सर हमारे पास टॉपिक ये पाँच है ये पाँच को ऐसे घोल के पी जाना है ठीक है जी याद रहेगा जी और इस पर तकरीबन पाँच सात बारह और चार सोलह सोलह और छः छः बारह अट्ठाईस और दस थर्टी एट के करीब क्वेश्चन हैं ठीक है जी रोज़ इन पांचों एरिया से मिला के आ, अगर चार क्वेश्चन भी करते हो तो अगले पंद्रह बीस दिनों में ये, ये एरिया तुम्हारा खत्म हो जाना चाहिए ठीक है जी एक स्टेप और आगे हम बढ़ते हैं जनाब हम थ्योरेटिकल पार्ट में जाते हैं जिसका आपको शिद्दत से इंतजार है कि उसको कैसे कवर करना है चले जी हम जाते हैं जनाब अपने मैनेजेरियल पोर्शन की तरफ मैनेजेरियल एंडस का पोर्शन सर तकरीबन पैंतीस से चालीस नंबर का होगा हमारे पेपर के अंदर और सर इसके अंदर ब्रॉडली चार एरियाज हैं टोटल चार एरियाज हैं जिससे सवाल उठ के आते हैं या टोटल चार ही एरियाज हैं हमारे इस कोर्स में Uh, सर एक हमारे पास पेस्टल का एरिया है सर पेस्टल में लगभग लगभग सर पांच चैप्टर्स हैं जो पेस्टल के एरिया के अंदर इंक्लूडेड है फिर हमारे पास एक चैप्टर कॉम्पिटेटिव फोर्सेस का है एक चैप्टर इंटरनल एनालिसिस का है और एक चैप्टर एथिकल डिसीजन मेकिंग का है सर जो चार क्वेश्चन आने ना वो आप देखें तो चारों से एक एक क्वेश्चन आता है ऐसा नहीं हुआ कि कोई एरिया छोड़ दिया गया सिवाय लास्ट अटैम्प्ट के लास्ट अटैम्प्ट में उसने पेस्टल से दो सवाल पूछ लिए और कॉम्पिटेटिव फोर्सेस के एरिया को हाथ ही नहीं लगाया ठीक है जी हिस्टोरिकली इससे पहले ऐसा हुआ है कि सर उससे इंटरनल एनालिसिस को हाथ नहीं लगाया और दो सवाल जो है वो एक कॉम्पिटेटिव से पूछ लिए लेकिन मेरा अपना हंश यह कि सर ये सारे के सारे एरियाज को टेस्ट करेगा अगर आप पेस्टल देखें पेस्टल में सर दो दफा उसने आई के ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा आई के चैप्टर से कि जी बताएं कौन सा जो है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम कंपनी को यहां चाहिए बताएं जी कंपनी को कौन कौन से जो है वो कंट्रोल्स प्लेस करने पड़ेंगे इस तरह की चीजें पूछी उसने एक दफा उसने सर पॉलिटिकल के चैप्टर में से ये पूछा कि गवर्नमेंट को हम कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं स्ट्रेट क्वेश्चन टेक्निकली रिप्रोड्यूस वाले क्वेश्चन हैं कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं थी सिर्फ पहली दफा लास्ट टाइम के एग्जामिनर ने पेस्टल पे केस स्टडी पूछी और मैं इसी का इंतजार कर रहा था कि कब वो इस लाइक समझता है स्टूडेंट्स को कि वो पेस्टल की केस स्टडीज को अटेम्प्ट कर सकेंगे तो लास्ट से पेस्टल पूछ लिया सर केस स्टडी पेस्टल के ऊपर आ गई ठीक है जी अच्छा मेरा अपना हांश ही है कि पेस्टल पे केस स्टडी अब आती रहेगी ठीक है जी और अगर इसने पेस्टल पे केस स्टडी नहीं पूछी तो फिर वो इंडिविजुअल चैप्टर्स की चीजें पूछ सकता है पॉलिटिकल के अंदर वो ये पूछ सकता है कि जी वो क्या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर्स हैं जो एक बिजनेस को देखने चाहिए सिंगल सिंगल भी सवाल पूछ सकता है लेकिन मेरा अपना बड़ा स्ट्रॉन्ग हंश ही है कि अगर पेस्टल पे सवाल आया तो पेस्टल पे मुकम्मल क्वेश्चन आएगा मुकम्मल पेस्टल की चीजें आएंगी अच्छा फिर इसको हमने आगे डिटेल में देखना है अभी सर कॉम्पिटेटिव फोर्स में सर हमारे पास कोई पांच के करीब एरियाज हैं फाइव फोर्सेज हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है ग्रुप्स एंड सेगमेंट्स है बीसीजी मैट्रिक्स है स्वर्ट एनालिसिस है, है, है एक भी नहीं छोड़ना एक भी नहीं छोड़ के जाना है सब करना छोड़ना कुछ नहीं है इसमें फिर इंटरनल एनालिसिस सर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर के हैं रिसोर्स इन कॉम्पिटेंस है वैल्यू चेन है केपेबिलिटीज है सारे करके जाने सर जो एथिकल डिसीजन मेकिंग है इसमें हिस्टोरिकली सर एक चीज हुआ करती थी आई कैप कोर्ट ऑफ एथिक्स उसी पे दो दफा सवाल आए एक ही दफा सर टकर का मॉडल आया तो ये ये दोनों तो सर अब आपके लिए रेलिवेंट नहीं है बेकार हो गए मेरा अपना हंश यह कि सर इस दफा इस पर जो है वो सवाल पूछा जा सकता है आ, सर ट्रिपल ए मॉडल के ऊपर अच्छा ये एनटी एनटी क्या लिखा है सर सर ये एंटी का मतलब है अब तक ये टेस्ट नहीं हुआ सर ग्रुप्स एंड सेगमेंट्स एक अच्छी केस स्टडी आ सकती है सी एफ एन में केस स्टडी है मैं आपको दे दूंगा सर अभी सर स्वॉट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था लास्ट टाइम इस पर सवाल आएगा मेरा अपना स्ट्रॉग हंच है कि जब इस पर सवाल बन के आ सकता है सर रिसोर्स एंड कॉम्पिटेंसीज आपसे पूछा जा पूछ, पूछ, पूछ सकता है एग्जामिनर कि भाई ये एक बिजनेस है बताएं इसकी रिसोर्स कौन कौन सी हैं और कॉम्पिटेंसीज क्या क्या हैं और इसमें क्रिटिकल कॉम्पिटेंसीज कौन सी हैं ये बताएं ठीक है जी फिर सर केपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेटिव एडवांटेज प्योर थ्योरी एक दफा रीड करना है बस रीड कर लेना मे बी एक रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन आ जाए ट्रिपल ए मॉडल इस दफा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरा अपना हांश अगर चार सवाल पूछे गए इस दफा तो पेस्टल पे भी आ सकता है सॉर्ट एनालिसिस पे भी आ सकता है आप के फाइव फोर्सेज भी आ सकते हैं वैल्यू चेन पर भी, भी क्वेश्चन आ सकता है ये मेरा अपना हांस है कि इन एरियाज पर सवाल उठ के आ सकते हैं याद रखिएगा मेरे बच्चों इसमें से एक भी चीज छोड़ के नहीं जानी ठीक है जी ये चार एरियाज हैं चारों में से एक 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 क्वेश्चन आएगा मेरा अपना ख्याल है अगर एग्जामिनर ने इस दफा सरप्राइज एलिमेंट रखना हुआ तो मे बी मे बी वो एक्सटर्नल यानी जो कॉम्पिटेटिव फोर्सेज है इसमें फाइव फोर्सिस भी पूछ ले और सर शॉर्ट एनालिसिस भी पूछ ले और मे बी इंटरनल एनालिसिस से अगर कुछ पूछना हो तो वैल्यू चेन पूछ ले छोटा सा क्वेश्चन और सर मेरे हिसाब से ट्रिपल ए मॉडल पूछा जा सकता है पेस्टल पे मेरा अपना ख्याल है कि अगर केस स्टडी आ गई तो आ गई अदरवाइज सर किसी स्पेसिफिक चैप्टर चैप्टर की जो है वो कोई ऐसी चीज पूछ सकता है जो रिप्रोडक्शन वाले क्वेश्चन में याद रखिएगा चार एरियाज हैं अब हम डिटेल में देखते हैं थ्योरी के एरिया को कि थ्योरी के हर चैप्टर में से क्या चीज़ किस तरीके से कवर करनी है स्ट्रेट्यूड चलो मेरे बच्चों अब हम डिटेल में बात करेंगे थ्योरी के हर चैप्टर में क्या चीज़ पढ़नी है किस पे केसेस देखने और क्या चीज रट्टा मार के याद करनी है ठीक है जी हमारा पहला चैप्टर है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के ऊपर ठीक है जी पेस्टल का पहला चैप्टर है ये, ठीक है जी पेस्टल का पार्ट है इसमें शुरू में इंट्रोडक्शन आ रही है फजूल चीज़ है आप उसको सिर्फ एक दफा रीड कर लें और टोटल इग्नोर भी कर दें कोई मसले वाली बात नहीं इसके बाद आ रहा है सर स्पेक्ट्रम ऑफ पोलिटिकल आइडियोलॉजीज ठीक है जी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज क्या है जी कम्युनिज्म क्या है डेमोक्रेसी क्या है ठीक है जी फैसिजम क्या है ठीक है जी तो जो चार पांच जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ हैं सर उनमें बिजनेस कैसे चलता है रिसोर्सेज कौन देगा प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा टैक्स कब लगेगा टैक्स का कॉन्सेप्ट है या नहीं अमीर गरीब में कोई फर्क होगा या नहीं होगा इस तरह की चीज़ें हैं एक टेबल बना हुआ है पेपर एक, एक उसमें एक किताब के अंदर ये टेबल आपने रीड कर लेना है और दिमाग में बेसिक चीजें बिठा लेनी है कि जी इस तरह वाले मॉडल में ये बेसिक एक एक दफा आप रीड करोगे ना आपको आइडिया हो जाएगा फैशिज्म में क्या है डेमोक्रेसी में क्या है रिड्यूस डेमोक्रेसी के अंदर क्या है ठीक है जी आपको आइडिया हो जाएगा मैं एक छोटी सी वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगा ठीक है जी इसको आपने रीड करना है रट्टा नहीं मारना है इसका ठीक है जी फिर फिर सर मेरे पास मैंने ना एक पेस्टल के नोट्स आपसे शेयर किए पांच पेज के टोटल पांच छह पेज इसके पेस्टल के टोटल नोट्स हैं उसमें एक पूरा पेज है पॉलिटिकल के ऊपर वो पेज आपने याद कर लेना है वो इस एरिया को कवर करेगा रट्टा मार लेना है आपने उसका मैं फिर रिपीट कर दूं आपने उसका क्या करना है रट्टा मार लेना लेकिन रट्टा कहां से मारे आर का मतलब रट्टा कहां से पेस्टल के जो मैंने नोट्स दिए किताब लंबी हो जाएगी बहुत ठीक है जी अच्छा लेक्चर आपने लेना है पूरा इस पूरे पॉलिटिकल के चैप्टर का ना लेक्चर है टोटल एक घंटे का बस एक घंटे का वो लेक्चर लेना है आपने अच्छा फिर सर जो हमारे पास चौथा पॉइंट है इसके अंदर वो इंटरेक्शन बिटवीन बिजनेस एंड गवर्नमेंट है यानी गवर्नमेंट को हम कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं सर कोई पंद्रह मिनट की एक वीडियो है इसके ऊपर मेरी वो आपने देखनी है और सर वो चार हेडिंग्स आपने याद कर लेनी है रट्टा मार लेना इसका मतलब है सर मेरे पास दो एरियाज इसमें ऐसे हैं जो मैंने सिर्फ रीड करना है बिल्कुल बेसिक रीडिंग इसको देनी है रीजनेबल रीडिंग इसको देनी है और मैंने सर जो रट्टा मारना है वो रट्टा फ्रॉम नोट्स रट्टा फ्रॉम नोट्स यहां से करना है और सर मेरे पास रट्टा फ्रॉम नोट्स यहां से करना है ये याद रखिएगा मेरे बच्चों ये तो रिप्रोड्यूस करने वाला क्वेश्चन आएगा अगर आ भी गया तो ठीक है जी और सर इस इस पे जो है वो केस स्टडी उठ के आ सकती है लेकिन सर ये भी हो सकता है कि तीन से चार नंबर का पाँच नंबर का एक रिप्रोड्यूस करने वाला क्वेश्चन आ जाए कि टैक्सेशन सिस्टम क्या है अनएम्प्लॉयमेंट क्या चीज़ है ठीक है जी लेबर लॉस का क्या इंपैक्ट है गवर्नमेंट की इंस्टेबिलिटी से क्या होगा बिजनेस के ऊपर लेकिन मैं आपको बता दूँ ये नोट से याद करना है और सर ये ये भी जो है वो एक एक नोट्स हैं जो मैं अभी आपको दूंगा तकरीबन को पंद्रह मिनट का लेक्चर है वो आपने देखना है इसके नोट्स अलग हैं पेस्टल का एक मुकम्मल नोट आपको मैंने दिया है वो तो दो चीजें रीड करनी है एक बेसिक रीडिंग एक जरा रीजनेबल रीडिंग जो सेकंड पॉइंट है थर्ड और फोर्थ आपने याद करना है डन फिर हम आते हैं सर सेकंड चैप्टर के अंदर जो सेकंड चैप्टर है उसमें दो हिस्से हैं सर एक तो इकोनॉमिक एनवायरमेंट है पूरा ये पेस्टल के नोट्स नोट्स जो पांच पेज के टोटल नोट्स हैं उससे आपने रट्टा मारना है लेक्चर देखने के बाद और जो उसका दूसरा पार्ट है ना उसमें तीन पॉइंट्स हैं और तीनों में लिस्ट दिए जी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स लीडिंग कौन से यानी फ्यूचर अगर आपने किसी इकोनॉमी का देखना है तो कैसे देखेंगे पास्ट अगर किसी की इकोनॉमी का आपने देखना है कि कैसे गुजरा है वो कैसे देखेंगे और हाल क्या चल रहा है वो कैसे देखेंगे लिस्ट बनी हुई है एग्जामिनर ने सर हर अटेम्प्ट में इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे एक एमसी की तो आपने सर इसको याद कर लिया लिस्ट याद कर लेनी है चार चार और चार तीन हेडिंग में चार चार पांच पांच पॉइंट से वो याद करने कौन से लीडिंग है कौन से लैगिंग है, है और कौन से को है ठीक है जी और सर जो ऊपर वाला पार्ट है वो आपने पेस्टल के नोट से याद करना ये याद रहेगा मेरे बच्चों एक और आगे हम बढ़ते हैं सर जो हमारा तीसरा चैप्टर है वो पेस्टल में जो सोशल और लीगल वाला एस्पेक्ट है उसको कवर करता है सर सोशल फैक्टर्स क्या हैं इन्फ्लुएंसर्स क्या हैं और हमारे जो है वो डिफरेंट लॉज एंड रेगुलेशन जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं इनकी एक लिस्ट दी हुई है ये दोनों चीजें याद रखिएगा पेस्टल के मैंने जो पांच पेज के नोट्स हैं जिसको मैं बार बार रेफर कर रहा हूं उससे आपको याद करने हैं रटा मार लेना इसका ठीक है जी क्योंकि इस पर रिप्रोड्यूस करने वाला क्वेश्चन शायद ना आए लेकिन एक अच्छा सवाल जो पेस्टल का आएगा जिसमें बाकी चीजें होंगी ये भी हो सकती है तो ये तो पेस्टल के नोट से आ गया सर फिर एक चीज आ रही है सर लीगल एनवायरमेंट एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देखिए वर्ल्ड बैंक एक पैरामीटर है ठीक है जी क्राइटेरिया है कि जी तो दुनिया के तमाम मुमालिक को उस ममालिकल करता है और यह है कि जी यूके में बिजनेस करना कितना मुश्किल है यूएसए में कितना मुश्किल है पाकिस्तान में कितना मुश्किल है इंडिया में कितना मुश्किल है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक इंडेक्स है उसमें क्राइटेरिया है पैरामीटर दिए हुए वो दस पैरामीटर्स हैं उसकी एक लिस्ट दी हुई है सर हार्डली उसको पढ़ने में कोई डेढ़ मिनट लगेगा आपका वो दस के दस पॉइंट्स अपने जहन में रखें एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा पॉइंट वर्ल्ड बैंक के इंडेक्स रिपोर्ट के अंदर नहीं है यह आपको टेक्निकली देखना है और तो तीन चार दफा देखोगे तो याद हो जाएगा तो सर ये पेस्टल के नोट से रट्टा ठीक है जी और ये आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाला सिर्फ एक पोर्शन में दस पॉइंट आपने नोट करना डन आई में सर चीजें हैं याद करने वाली चीजें सबसे पहले इंपैक्ट क्या है जी आई का सर याद रखिएगा इसका एक अलग लर्निंग आउटकम है सर बिजनेस पे क्या इंपैक्ट है आईटी का इसकी चार हेडिंग्स दे लिए टोटल चार हेडिंग्स हैं डाउन साइजिंग डीलियरिंग ये चार हेडिंग्स आपने याद करनी है याद करनी है कि बिजनेस पर का क्या इंपैक्ट है इस पर पे केसेस भी आ चुके हैं ठीक है जी और मेरा अपना के सर जो लास्ट टाइम में जिस तरह का केस है ये दोबारा भी आ सकता है सर ठीक है फिर सर छह इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है ठीक है जी एक्सपर्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम है सर ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है सर इसके अंदर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चलने वाला सिस्टम है इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लोगों की इंफॉर्मेशन नीड्स को मैनेज uh, करने के लिए डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स लगाए जाते हैं ताकि उनको उनके काम के हिसाब से इंफॉर्मेशन मिले ये छह इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स याद करने बाबू इस पर सवाल आ चुका है पहले अटैम्प में ठीक है जी तीसरी चीज जो इस चैप्टर के अंदर है वो सर आईटी uh, से रिलेटेड थ्रेट्स हैं और फिर उनको कवर करने के लिए उन थ्रेट्स को ओवरकम करने के लिए कंट्रोल्स हैं जनरल कंट्रोल्स हैं एप्लीकेशन कंट्रोल्स हैं अनफॉर्चुनेटली आपको ये पूरी का पूरा चैप्टर मेरी वीडियो देखनी है कुछ डेढ़ से दो घंटे की वीडियो टोटल इस चैप्टर के ऊपर और सर आपने इसका मेरे नोट से जो मेरी किताब है सर उसमें से आसान भाषा में मैंने लिखा हुआ है अगर आपने आई की किताब से देखना वहां से भी देख सकते हो लेकिन मैंने आई की किताब को आसान भाषा में कन्वर्ट किया चैप्टर के लिए सर आपने ये चार एरियाज ये चार हेडिंग्स ठीक है जी सर ये छह सिस्टम्स अच्छा एक इसमें डेटा बेस मैनेजमेंट का एरिया भी वो देख लेना उसको रीड कर लेना कि उसका इम्पैक्ट क्या असर हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी के ऊपर सर थ्रेट्स एंड जनरल एप्लीकेशन कंट्रोल्स ये आपने सर रीड करने इसमें बाय हार्ट रट्टा लगाने वाली चीज़ें सर शुरू के दो एरियाज हैं ठीक है जी छह सिस्टम्स और हेडिंग्स और सर थ्रेट्स और जनरल एप्लीकेशन कंट्रोल्स में आपने हेडिंग्स भी याद कर ली और रीजनेबल अंदर चीजें भी आपको पता हुई तो आप निकाल लो चीज़ें इस पर्टिकुलर ये इतना रिच चैप्टर है कि एस सर एमसीक्यूज भी पूछे गए और सर लास्ट अटैम्प में से केस स्टडी भी पूछी गई है और पहली अटैम्प में भी केस स्टडी आई है ठीक है जी सर फिर हम बढ़ते हैं सर चैप्टर फाइव की तरफ सर चैप्टर फाइव को ऑलमोस्ट एग्जामिनर ने काट के फेंक दिया ठीक है जी सर इसमें एक एरिया होता था केस स्टडीज ऑन केस स्टडीज होती थी कि जी डिस्क्रिप्टिव टेक्नोलॉजीज ने फैशन इंडस्ट्री को कैसे अफेक्ट किया एजुकेशन इंडस्ट्री को कैसे अफेक्ट किया ये निकाल दिया गया कोर्स है बस आपने इस चैप्टर के शुरू के तीन पेजेस तरीके से रीड करने और उसके अंदर जो डिस्क्रिप्टिव टेक्नोलॉजीज दी हुई चार पांच उस पर आपने हर एक पे पांच पांच छः छः पॉइंट्स याद कर लेने देन बढ़ जाए आगे अब हमारे पास सर आगे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आते हैं वो हैं जनाब कॉम्पिटेटिव फोर्सिस और इंटरनल एनालिसिस इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं लेकिन सर बाय फार ये दो ऐसे चैप्टर्स हैं इनको मैं दो एरियाज कहता हूं ठीक है जी इस दोनों चैप्टर से एक एक सवाल और मे बी किसी एक चैप्टर से दो सवाल भी उठ के आ सकते हैं ठीक है जी सर हमारे पास जो चैप्टर सेवन है और एट ये दो ऐसे चैप्टर्स हैं मैं अभी बता रहा था कि आपको ये बड़े एंड रिच जरखेज चैप्टर जिससे सवाल उठ के आ सकते हैं देखें जो चैप्टर सेवन है ना इसके टोटल छ एरियाज हैं एक कंपटीशन इन मार्केट है प्लेन रीडिंग है सर टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज पोर्टर ने बताई हैं जी चार पांच टाइप की इंडस्ट्रीज हैं जेनेरिक इंडस्ट्रीज कौन सी हैं इमर्जिंग इंडस्ट्रीज है, कौन सी इंडस्ट्री हैं इस तरह की चीजें यह आपने रीड कर लेनी और पॉइंट्स याद कर लेने ठीक है जी सीधा सीधा ठीक है फिर मेरे पास सर दूसरा है कन्वर्जेंस सर कन्वर्जेंस का मतलब है बहुत सारी इंडस्ट्रीज अब कन्वर्ज जो कि एक होती जा रही हैं ठीक है जी जैसे मिसाल के तौर पर सर टेलीविजन इंडस्ट्री हुआ करती थी अखबार की इंडस्ट्री हुआ करती थी मार्केटिंग चैनल्स हुआ करते थे वो सारे जो है वो सोशल मीडिया पे आ चुके एक जगह बन चुकी तो सर आपने सिर्फ ये देखना है इंडस्ट्री की टाइप्स कौन कौन सी हैं ठीक है जी और कन्वर्जेंस डिमांड लेड है या सप्लाई लेड है सिर्फ रीडिंग करनी है और दिमाग में रख लेनी ये चीज़ें बस ठीक है अच्छा इसके अंदर चार पांच टाइप्स होंगी तो बस वो टाइप्स जैन में रख लेना सर मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइव फोर्सेज मोस्ट इंपॉर्टेंट पांच फोर्सेज पांच के अंदर छह छह सात सात पॉइंट याद करने याद करने में फिर रिपीट कर दूं ताकि केस में आए तो याद हो कि मुझे ये वाला पॉइंट मैंने किस हेडिंग के नीचे पढ़ा था याद रखना केस आएगा इसके ऊपर याद रखना मेरे प्यारे बच्चों इसके अंदर जो आ, पांच के पांच पॉइंट्स हैं जो पांच फोर्सेस हैं रट्टा मारना है दिमाग में रखना है केसेज मैंने सर सॉल्व करके आपको दिए हैं आपने वो भी करना है, जो मजीद केसेज आपको दूंगा आपने वो भी करना मोस्ट इंपॉर्टेंट सर लाइफ साइकिल मॉडल इसमें तीन चीजें हैं सर एक तो स्टेजेस इंट्रोडक्शन ग्रोथ मेच्योरिटी और डिक्लाइन सर फिर लाइफ साइकिल कॉस्टिंग पढ़ने के बेनिफिट्स ठीक है जी अगर किसी बंदे को प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे अपने प्रोडक्ट्स रख के देखे तो उसको क्या बेनिफिट मिलेगा इस तरह प्रोडक्ट्स को एनालाइज करने के क्या बेनिफिट्स हैं ठीक है जी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल देखते हुए बहुत सारी कंपनीज मार्केट में एंटर होती है एंट्री स्टेज के ऊपर यानी इंट्रोडक्शन स्टेज पर बहुत सारी ग्रोथ स्टेज पर एंटर होती है मच्योरिटी स्टेज में बहुत कम लोग एंटर होते हैं डिक्लाइनिंग स्टेज में बहुत कम कम लोग एंटर होते हैं तो एंट्री कब करनी है किस किस्म की कंपनीज कब एंटर करती है मार्केट में कब एग्जिट करती है ये प्योर थ्योरी है आपको रीड कर लेना है बुलेट पॉइंट्स मोटे मोटे पॉइंट्स पॉइंट में रख लेने है कि भाई ये कंपनी इस वक्त एंटर होती है ये कंपनी इस वक्त एंटर होती है ठीक है जी सर इसमें ये वाला पोर्शन रट्टा सर ये वाला पोर्शन रट्टा और ये वाला पोर्शन सर रीडिंग ठीक है जी और कुछ भी नहीं ठीक है जी फिर फिर हमारे पास सर स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स एंड मार्केट सेगमेंट्स रीड करना है रीड करना है पॉइंट जैन में रखने और एक केस आपको दूंगा सी फाइनल का जो पेपर में आया वो वो केस आपको सॉल्व करना है ठीक है जी बीसीजी मैट्रिक्स ड्स याद करने सर ठीक है जी डॉग कैश का स्टार प्रोडक्ट ठीक है जी आ, सर हमारे पास जो है फिर इस ये चारों कॉर्डन आपने याद करने हैं ठीक है जी उनकी स्ट्रेटजीज क्या क्या है सर उसमें मार्केटिंग किस किस चीज पे करनी है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या है ठीक है जी कस्टमर किस टाइप का होगा आ, जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो किस टाइप का आपको पूरा एक चार्ट दे याद रट्टा ठीक है जी याद करना है ठीक है जी बीसीजी मैट्रिक्स वीकनेस क्या है सर बी जी मैट्रिक्स की इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ चुका है सर दो तीन वीकनेसेज हैं ठीक है जी सीधा सीधा आपने के उसको रीड कर लेना है और ये बुलेट पॉइंट में रखना है ठीक है फिर स्वॉट एनालिसिस के ऊपर मेरा नोट है उन नोट में सर मैंने रिसोर्सेज दिए हमें ठीक है जी यानी सर हमारे पास जो स्ट्रेंथ्स हैं वीकनेसेज हैं अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेड है एक घंटे का मेरा लेक्चर है सुनना तरीके से और सर वो नोट्स याद कर लेना आप मुझे एक बात बताएं इसमें याद करने वाली रट्टा लगाने वाली चीजें सर टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज आपने याद कर लेनी है ठीक है जी सर जो पोटो फाइव फोर्सेस है याद कर लेना पांच फोर्सेज रट्टा का मतलब ये कि यार उसके अंदर पॉइंट्स याद रखना वर्ड टू वर्ड किसी का अब्बा भी रट्टा नहीं लगा सकता रट्टा लगाने जाओगे फेल हो जाओगे मैं बता रहा हूं ठीक है मोटे मोटे पॉइंट्स याद कर लेना रीड करते रहना बाद में आ, बार बार रीड करते रहना स्टेजेस ये आपने सर याद करने बेनिफिट्स आपने याद करने ठीक है जी टाइमिंग ऑफ एंट्री और यह आपने रीड कर लेना ठीक है जी सर फिर हमारे पास बीसीजी जो सेगमेंट वो सेगमेंटेशन है मार्केट सेगमेंटेशन है रीड करना है और एक केस सॉल्व करना है बस बीसीजी मैट्रिक्स कॉड्रंट्स के जो पॉइंट्स हैं जो चार्ट है वो याद करना है वीकनेसेस दो तीन है वो अपने जहन में रखनी है बुलेट्स याद कर लेना उसके ठीक है जी शॉर्ट के मैंने नोट्स दिए हैं सर वो नोट्स बार बार रीड करना है बार बार रीड करना है चीज़ें जहन में रखनी है फाइनेंशियल uh, रिसोर्स कौन से ह्यूमन रिसोर्स कौन से हैं रॉ मटीरियल लेबर ये सारी चीज़ें आपने जहन में रखनी है डन तो इसमें अगर कोई पूछे कि मोस्ट क्रिटिकल तो मैं कहूँगा ये, ये 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 और ये अच्छा इन दोनों से इस दफा सवाल एक्सपेक्टेड है इन दो एरिया से ठीक है मेरे बच्चों सर चैप्टर एट इंटरनल एनालिसिस लास्ट टाइम इस पे क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर पे तेरह मार्क्स का सवाल है तेरह मार्क्स का सवाल है दस मार्क्स का सवाल है दस मार्क्स का सवाल है सर ठीक है जी इससे पहले तेरह नंबर का जो है वो एक उससे पिछले अटैम्प में आया था उसके ऊपर वैल्यू चेन के ऊपर अच्छा स्ट्रेटेजिक केबिलिटी और कस्टमर नीड्स ठीक है जी प्लेन रीडिंग करनी है बस इसके अंदर एक याद करने वाली चीज़ मार्केटिंग मिक्स है इसका आपने रट्टा मारना है ठीक है जी प्रोडक्ट प्राइस प्लेस और प्रमोशन ये चार हेडिंग्स हैं इनको बस याद कर लेना ठीक है अच्छा फिर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर के ठीक है जी ये क्लास के नोट्स से आपने देख लेना इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने याद करनी है टाइप्स ऑफ बेंच मार्किंग आपने रट्टा मारना है बाकी सर के और क्रिटिकल सक्सेस सेक्टर लास्ट टाइम आ चुके हैं तो मेरा अपना अंश है कि इस दफा इस पर इतना डिटेल लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं आ सकता वैल्यू चेन बेटा इस दफ़ा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट ठीक है जी प्राइमरी एक्टिविटीज़ कौन सी हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कौन सी हैं उनमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं ये आपने दिमाग में रखनी है और जो सब एक्टिविटीज़ हैं मिसाल के तौर पर प्राइमरी चार एक्टिविटीज है उन चारों में अंदर दस दस एक्टिविटीज लिखी हुई बस वो जहन में रख लेना रट्टा नहीं मारना प्राइमरी एक्टिविटीज का रट्टा मार लेना अंदर जो बुलेट्स हैं उनको सिर्फ छोटा छोटा बस जहन में रखना लंबी चौड़ी कहानी नहीं होगी उसके अंदर ठीक है जी फिर रिसोर्स कॉम्पिटेंसीज इसके टाइप्स हैं कोर कॉम्पिटेंसी कौन सी है थ्रेश होल्ड कॉम्पिटेंसी कौन सी है थ्रेश होल्ड रिसोर्स कौन से कोर रिसोर्स कौन से सिंपल रीड करना है और दिमाग में रखना है बस ठीक है जी फिर कैपेबिलिटी कॉम्पिटेटिव एडवांटेज डायनेमिक कौन सी है किस तरह हम जो है वो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज अचीव कर सकते हैं कॉर्पोरेट नॉलेज क्या है इनकी सिर्फ आपने रीडिंग करनी है अच्छे से और दिमाग में रख लेना है अगर सवाल आ जाए तो रिप्रोड्यूस कैसे करना है ये तो मैं पता होना चाहिए इस पर रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन आ सकता है सोर्ट के नोट्स मैंने आपको ऊपर बता दिए अब बताएं सर यानी ये नहीं ये, 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 ये एक ही है सर हमारे पास ठीक है जी आधा एरिया एक चैप्टर में डाला वो आधा दूसरे में तो सर अगर कोई मुझसे पूछे रट्टा लगाने वाले तो मैं कहूँगा जी रट्टा लगाने वाले बेंच मार्किंग के टाइप्स वैल्यू चेन आ, सर मेरे पास रिसोर्स केपेबलिटीज़ को आपने कॉम्पिटेंस को याद करना है सर ये वेस्ट टू अचीव कॉम्पिट जो वो है सर कॉम्पटेटिव एडवांटेज कॉरपोरेट नॉलेज और ये सर ये आपने रट्टा मारना है रट्टा का मतलब ये होता है कि यार जैसे सोहाट में पॉइंट्स हैं पाँच पॉइंट्स है जैन में रखने भाई पाँच जैन में रखोगे तो चार तो रहेंगे ना जैन में रिप्रोड्यूस करने के सवाल को आप अटैम्प्ट कर सकोगे

तो उसको मैं काट ही देता हूँ सर आप इसको बस एक बार रीड कर लेना कोई लंबा चौड़ा सवाल नहीं बन के आ सकता है। सर एथिक्स के बेनिफिट्स ये आपने रटा मारने और दो फ्रेमवर्क हैं सर दोनों की हेडिंग्स याद करनी है ठीक है जी क्या करना है जनाब हेडिंग्स याद करनी है और सर इस पर केसेस सॉल्व करने हर एक पे कम से कम तीन तीन केसेस ठीक है जी फिर सर हमारे पास सोर्सेज ऑफ तो फाइनेंस के बारे में मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ कि आपने सिंपली हर एक सोर्स ऑफ फाइनेंस के तीन तीन चार चार कैरेक्टर्स याद करने हैं ठीक है जी और एक गिवन केस में सिलेक्शन कैसे करनी है सोर्स ऑफ फाइनेंस की इक्विटी का भी यूज़ करना है लॉन्ग टर्म डेट का भी यूज़ करना है शॉर्ट टर्म डेट का भी यूज़ करना है यह आपने देखना है रिस्क मैनेजमेंट के चैप्टर में आई एस ओ और इससे रिलेटेड सारी चीज़ें ख़त्म सिर्फ दो चीज़ें प्योर और स्पेक्यूलेटिव रिस्क यह आपने रीड कर लेने है और इनकी एग्जाम्पल्स देख लेनी है और रिस्क मैनेजमेंट के बेनिफिट्स आपको याद कर लेने ठीक है जी सर मैंने पूरे थ्योरी के चैप्टर्स आपके सामने रख दिए हैं और हर अब इस थ्योरी के चैप्टर्स को रिवाइज कैसे करना है रोज़ एक एरिया पिक करें ठीक है जी आपके पास जो थ्योरी हंड्रेड चैप्टर्स हैं चैप्टर सेवन एट और नाइन इन से सर तीन सवाल बन के आने इनको पक्का करके जाना है पेस्टल और स्वॉर्ड आपने तरीके से करने हैं ऊपर के जो पांच चैप्टर्स हैं ठीक है जी लेकिन इन तीन चैप्टर्स हैं सेवन एट और नाइन इन में कोशिश करनी है अच्छी खासी चीज़ों को आपने दिमाग में रखना है याद कर लेना है सर मैंने पूरा कोर्स आपके सामने खोल दिया है इनकेस कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं एक कॉम्प्रीहेंसिव पलंदा है क्वेश्चन का वो मैं आपसे शेयर करूंगा प्रैक्टिकल साइड का भी और थ्योरेटिकल साइड का भी और हर ऑल्टरनेटिव डे पे मैं केस शेयर किया करूँगा आपसे वो केस आपने देखते रहना है थ्योरी के अंदर ठीक है जी थैंक यू वेरी मच जजाकल्लाउ ख़ैरन मेरी उम्मीद है अल्लाह से कि अगर आप लोगों ने चैनल जिस तरह मैंने आपको बताया इस तरीके से आपने तैयारी कर ली तो सर मैं आपको बताऊं इस पेपर में फेल होने के चांसेस बहुत कम है स्ट्रेटेजिकली सही होकर जाओ पॉलिटिकली सही होकर जाओ ठीक है जी तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं प्रैक्टिकल पे आपने बहुत अच्छा टाइम लगा लिया तो प्रैक्टिकल एरिया आपका स्ट्रॉग हो जाएगा थ्योरी जैसे मैंने आपको बताई है याद किसको करना है याद रखना है मेरा बच्चा रट्टा का मतलब ये नहीं होता वर्ड टू वर्ड वर्ट। जैसे फोटर फाइव फोर्स हैं एंट्री बैरियर्स हैं मुझे एंट्री बैरियर्स के नाम याद हैं और अंदर बेसिक चीज़ें मैं लिख सकता हूँ इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या आज ये बड़ा बिजनेस है लार्ज वॉल्यूम्स होंगे एवरेज कॉस्ट कम हो जाएगी अपने अल्फाज में लिखना है ठीक है जी कोई प्रॉब्लम हो आपका अब मैं आपके लिए बैठा हूँ सर अल्लाह आपको बहुत बहुत आपका जो हामी मनासर हो और हमने पूरे जो टाइम मेहनत की है अल्लाह ताला इसको आपके लिए आपके लिए जो है वो कारमद बनाए और मेरी अल्लाह से दुआ है, है और उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको आपके वालदान की आंखों की ठंडक बनाए और आपकी मेहनत को आपके सामने आपकी ज़िंदगी में रोशनियाँ भर दे इससे थैंक यू वेरी मच असलैक्म